Namaste. Welcome to our YouTube channel Adia Pak Ji. Subscribe our YouTube channel for monthly current affairs and other educational videos and press the bell icon on your screen. So let us start with today's video. स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यापक जी में और अध्यापक जी चैनल के सारे सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी कि जो भी कुछ इस सीजन में आपका हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कई बार जो इसमें वो भी पॉइंट्स इंक्लूड किए जा चुके हैं जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपका वीडियो से शुरुआत करते हैं कि आपका वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस कंट्री को बैन किया गया है, तो रशिया को किया गया है और 4 साल के लिए बैन किया गया है। यानी कि 2015 से रिलेटेड ये मुद्दा था, 2015 की रिपोर्ट्स जो आप रशिया की जो आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो सबमिट करनी थी आपके वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को, तो उसमें हेर फेर के चलते जो है रशिया को बैन किया गया है वाडा द्वारा 2019 में। तो अप टू 4 साल यानी कि आप लगा लीजिए कि 2022 हाफ और 2023 तक जो है आपका 2023 तक के लगभग जो है आपका रशिया बैंड है किसी भी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए, स्पोर्टिंग इवेंट यानी कि जो भी आपका वर्ल्ड लेवल का हो, बड़े लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, उसमें जो है आपका लगभग 2022-23 तक जो है आपका रशिया भी बैंड कर दिया गया है फुली वाडा द्वारा। और आपका जो है कि यानी कि जैसे कि आपका 2022 में आपका भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होना था आपका कतर में, उसमें भी नहीं खेल पाएगा रशिया, और अभी हाल फिलहाल में जुलाई मंथ में यानी कि इसी महीने के 2020 के टोक्यो में ओलंपिक्स, तो उसमें भी जो रशिया बाहर हो चुका है। पर कुछ प्रावधान है तो मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि रशिया का क्या कंडीशन होगी, रशिया की ओलंपिक्स में खेलने से रिलेटेड जो भी आपके कंडीशन बनेगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ दिन बाद। तो फिलहाल आपका नेक्स्ट पॉइंट इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि नेम द यूएस इंजीनियर हु हेल्प डेवलप द बार कोड एंड हु रिसेंटली पास्ड अवे इन द ईयर 2019। तो आपका जॉर्ज लॉरेर वो आपके यूएस इंजीनियर थे जिन्होंने आपका बार कोड जो डेवलप किया था। यानी कि आप आजकल प्रोडक्ट देखते हैं, कई प्रोडक्टों में बार कोड तो आप काफ़ी पहले से आता है, लेकिन हो ये गया कि अब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आपका बार कोड वगैरह रहता है, क्योंकि जितनी भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है उस बार कोड में इंक्लूड रहती है। तो अगर आप बार कोड स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं तो आपकी फुल डिटेल निकल के आपके मोबाइल फोन्स पर या जिस भी गैजेट से आप उसको स्कैन कर रहे हो उसके सामने आ जाती है। तो ये था आपका बार कोड। तो मेन है आपका कि बार कोड के जो डेवलपर है वो कौन है, आपके जॉर्ज लॉरेर, जिनका हाल ही में भी 2019 में देहांत हो गया है। उसके बाद बात करते हैं आपका कि साउथ एशियन गेम्स 2019 जो हुए हैं उसमें जो कंट्री टॉप पर रही वो इंडिया है, और 312 मेडल्स टोटल इंडिया ने जीते हैं जिसमें से 174 आपके गोल्ड मेडल हासिल किए, 93 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल्स आपका इंडिया द्वारा अटेन किए गए। देन आपको उसके बाद आपका कि विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, यानी कि सऊदी अरामको वो कंट्री है जिसने आपका अनाउंस कर दिया गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। IPO मेनली आपका होता क्या है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, यानी कि आपकी कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आपका स्टॉक सेल करती है किसी आउटसाइड इन्वेस्टर का तो वो आपका IPO में आता है, और सऊदी अरामको ऐसी कंट्री बन गई जिसने अनाउंस कर दिया गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद आपका बात करते हैं कि विच सिटी हैज बीन एडजस्ट इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फोर्थ टाइम इन द लेटेस्ट क्लीननेस सर्वे ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा यानी कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो आपका सिटी को फोर्थ टाइम आपका क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला वो आपका इंदौर सिटी है। और अगर क्लीनेस्ट कैपिटल के हम बारे में बात करें तो वो भोपाल रही इस बार की जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आपको छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको नोट करना है कि क्लीनेस्ट सिटी अगर हम बात करते हैं एग्जाम में आता है तो आपको इंदौर टिक करना है, अगर क्लीनेस्ट कैपिटल के बारे में बात होती है तो आपको भोपाल टिक करना है। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट पे कि विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, यानी कि जो अभी आपकी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी हुई है तो उसमें जो आपका हाईएस्ट ग्रोन आया आपका एरिया में तो किस स्टेट में आया फॉरेस्ट के एरिया में, वो आपका कर्नाटका के फॉरेस्ट एरिया में आपका ग्रोन आया 1025 किलोमीटर का। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश सर 990 किलोमीटर के साथ, और केरला आपका 823 किलोमीटर है जिसमें इंक्रीमेंट हुआ आपका फॉरेस्ट एरिया में। तो टॉप में आपका कर्नाटका, और हर 2 साल के अंतराल में जो है रिपोर्ट आती है, यानी कि इससे पहले 2017 में आई थी और अब 2019 के भी बाद अब 2 साल बाद आएगी 2021 में। देन आपका नेक्स्ट है कि वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली NCR के रेजिडेंशियल लोग हेतु टू ट्रैक और ब्लॉक दे लॉस्ट स्टोलन फोन्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का फ़ोन खो जाता है किसी कारणवश तो उसको अगर ब्लॉक करना है या उसको ट्रैक करना है तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली NCR द्वारा जिसका नाम है आपका www.ceir.gov.in। पर आप विजिट करके अपने फ़ोन से जुड़ी हुई जानकारी दे सकते हैं जिससे आपका फ़ोन ट्रैक हो सकता है और मदद मिल सकती है उसको ट्रैक करने में, आपकी मदद मिल सकती है उसको आपका ढूंढने में। तो आपका वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद आपका बात करते हैं कि जनरल बिपिन रावत आपके फर्स्ट CDS बन गए हैं भारत के,
CDS आपका है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये इसी बार से ये पोस्ट आपकी शुरुआत की गई है और 4 स्टार रैंक की ये पोस्ट है आपकी, जिसके आपके फर्स्ट CDS बन गए भारत के जनरल बिपिन रावत जी, जो आपके इससे पहले आर्मी चीफ रहे और 27 नंबर के आर्मी चीफ थे भारत के और पहले नंबर के CDS हैं भारत के। फिर उसके बाद बारे में बात करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20 के लिए आपका कौन सा स्टेट टॉप पे रहा, तो केरला रहा टॉप पे। और अगर हम इसी इंडेक्स में आपका यूनियन टेरेटरी के हम बारे में बात करें तो आपका यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ इसमें टॉप में रही। देन आपको उसके बाद है कि विच इंडियन डिफेंस सर्विसेज हैज बैंड द यूज ऑफ फेसबुक बाय इट्स पर्सनल टू प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका इंडियन नेवी है उसने आपका अपने जो कर्मचारी हैं उनको फेसबुक यूज़ करने से बैन कर दिया है, ताकि जो है आपका किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या है लीक होने की चांसेस ना रहें, इसलिए जो इंडियन नेवी ने ये शुरुआत कर दी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ विथड्रॉन ऑल केसेस रिलेटिंग टू द पाथलगढ़ी मूवमेंट, यानी कि पाथलगढ़ी मूवमेंट थी तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके केस थे सारे आपके विथड्रॉ कर दिए गए हैं झारखंड गवर्नमेंट द्वारा। और पाथलगढ़ी मूवमेंट क्या है ये मैं आपका स्पेशल एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आपका आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि व्हाट इज द नेम्स ऑफ इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन दैट विल हेल्प साइंटिस्ट स्टडी द सोलर कोरोना, यानी कि सोलर कोरोना यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो सन की होती है उसे कोरोना कहा जाता है, और उसके बारे में जो है आपका स्टडी करने के लिए जो इसरो ने लॉन्च किया है मिशन उसका नाम है आदित्य L1। देन आपका नेक्स्ट है कि विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वाज डिकमिशन्ड ऑन 27 दिसंबर 2019, तो MiG-27 जो आपका एयरक्राफ्ट था एयरफोर्स का उसको डिकमिशन्ड कर दिया गया है और 27 दिसंबर 2019 को ये डिकमिशन्ड किया गया। देन आपका है कि नेम द क्रिकेटर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 2 हैट्रिक्स इन वनडे इंटरनेशनल, यानी कि आपके भारतीय पहले बॉलर बन गए कुलदीप यादव जी जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 2 हैट्रिक्स ले लिए। देन आपका बात करते हैं कि विच मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर रिसेंटली इंट्रोड्यूस वाईफाई कॉलिंग फैसिलिटी इन इंडिया, यानी कि वाईफाई जो आपका दूसरे फ़ोन से आप यूज़ करके वाईफाई तो आप कॉल कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है भारतीय एयरटेल द्वारा। देन आपका चलते हैं कि नेम द नोटेड हिंदी राइटर हु हैज बीन चूजन फॉर द 33rd मूर्ति देवी अवार्ड 2019 फॉर हिज वर्क अस्थि और भवती, तो अस्थि और भवती जिनकी रचना है उसके लिए आपका 33rd मूर्ति देवी अवार्ड 2019 का मिला आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अस्थि और भवती किसकी रचना है, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है। देन उसके बाद बात करते हैं कि आपका फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आपके नए अपॉइंट हो गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। देन आपका टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कामयाब, तो आपका मालदीव को आपका इंडिया द्वारा गिफ्ट किया गया है पेट्रोल वेसल जिसका नाम है आपका कामयाब, और यानी कि गश्ती के लिए वेसल दिया गया है मालदीव को भारत द्वारा। उसके बाद आपके बात करते हैं कि हु हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द क्रिएटिव नॉन फिक्शन कैटेगरी इन द इंग्लिश लिटरेचर, तो शशि थरूर जी जो आपके आपके एमिनेंट लीडर हैं इनको मिला आपका क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन द क्रिएटिव नॉन फिक्शन कैटेगरी इंग्लिश लिटरेचर हेतु। देन आपका कि द कॉन्स्टिट्यूशन 126 अमेंडमेंट बिल प्रपोजेस टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन कोटा फॉर एससीज एंड एसटीज इन द लेजिस्लेचर्स बाय हाउ मेनी इयर्स, तो 10 साल ये आपका बढ़ा दिया गया है, यानी कि अप टू 2020 तक जो है ये आपका रिजर्वेशन का जो कोटा है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 126 अमेंडमेंट द्वारा। तो इसमें एग्जाम में पूछ जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आपका कब तक ले उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2020 और किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, तो 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो शुरुआत में जब आपका संविधान का निर्माण हुआ था उसमें शुरू में आपका 10 साल का सिर्फ प्रावधान था एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन कोटा के लिए, जो आगे की सरकारों ने सामाजिक व्यवस्था देखते हुए उसको आगे एक्सटेंड किया। और जैसे कि अब हम बारे में बात करें तो अब 2020 तक ये आपका एक्सटेंड है अभी फिलहाल, तो ये इसके बारे में था। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर याद रखना है कि 126 और 2020 तक ये एक्सटेंडेड कर दिया गया है। उसके बाद आपका है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो सोमा रॉय बर्मन को आपका बना दिया गया है 24th नंबर का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये CAG की पोस्ट से अलग है, वो आपका ऑडिटर जनरल होता है, ये आपका जनरल ऑफ अकाउंट्स है। उसके बाद बात करते हैं आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज बीन इंट्रोड्यूस एज अ CBSE सब्जेक्ट फ्रॉम 2019-20 एकेडमिक ईयर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब्जेक्ट है ये अब आपका CBSE जा रहा है इसको जोड़ने अपने सब्जेक्ट्स में, यानी कि अब जो आपका 12th क्लास तक की पढ़ाई होती थी उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अब नेक्स्ट सेशन से जो है एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चलते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मलाला यूसुफजई, द मूवी इज शेड्यूल्ड टू रिलीज ऑन 31st of January 2020, तो गुल मकाई उस मूवी का नाम है जो आपका मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की फेमस सोशल एक्टिविस्ट जिनको आपका 2014 में इनको और आपका कैलाश सत्यार्थी जी तो इन दोनों लोगों को आपका नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 का, और अब जो इनके मलाला यूसुफजई जो आपकी पाकिस्तान की सोशल
एक्टिविस्ट थी, उनके ऊपर अब मूवी बनने जा रही है जिसका नाम आपका गुल मकई है। तो आपको ये टाइटल याद रखना कि गुल मकई जो मूवी आपका मलाला यूसुफजई के लाइफ पर बेस्ड है और 31 जनवरी 2020 को रिलीज होने जा रही है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है इस वीडियो की, 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जिन्होंने अपना करेंसी को रीनेम्ड कर दिया गया है इको में, तो अब इनकी जो करेंसी का नाम है वो इको रख दिया गया है। और वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ ये हैं 8 कंट्रीज, कौन कौन सी हैं आपकी, माली है, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्गिना फासो, गिनिया बिसाउ और आइवरी कोस्ट, ये 8 कंट्री है जिन्होंने अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब नेम चेंज कर दिया गया है और अब इनका नाम हो गया है इको, जिनका नाम पहले CFF फ्रैंक था। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ने अपनी करेंसी का नाम इको रख दिया, तो 8 कंट्रीज और कौन कौन सी हुए हैं, तो आपकी माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्गिना फासो, गिनिया बिसाउ और आइवरी कोस्ट वो कंट्रीज हैं। तो फिलहाल के लिए यही था वीडियो में, और ऐसी जानकारी वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपके एग्जाम से इसमें इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से याद करना है। तो फिलहाल के जय हिंद और धन्यवाद।